वेतनमान और समायोजन की मांग को लेकर आंदोलनरत सीटेट पारा शिक्षकों के द्वारा शनिवार को शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के आवास का घेराव किया गया। मौके पर आंदोलनरत सीटेट पारा शिक्षकों ने आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। लंबे समय से चल रहे इस घेराव के बाद शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने आंदोलनरत सीटेट पारा शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुलाकर उनसे वार्ता की और आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर में आपकी मांगों पर सरकार कदम उठाएगी। वहीं आश्वासन के बाद पारा शिक्षकों ने कहा कि हमने अपनी बात शिक्षा मंत्री के समक्ष रख दिया है, उनके द्वारा एक सप्ताह का समय मांगा गया है और हमें उम्मीद है कि इसे एक सप्ताह में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक बार फिर से आंदोलनरत नजर आएंगे। एक भी ऐसा बात नहीं किया, हम लोगों ने उनको पेपर जो ऐसे दिया, वह जो जब वह पेपर का अध्ययन किए के खंडवाल के द्वारा स्पष्ट जो है से उसमें लिखा हुआ है कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। पढ़ने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय काफ़ी सकारात्मक देखे और वे बोले कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, एक सप्ताह के हमको आप दे समय, हम जो है से आपके प्रतिनिधि को जो है से बुलाकर पुनः बात करेंगे। वे हमारे गार्जियन हैं और हमारी तमाम तरह की मांग मानी गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ऐसे शिक्षा मंत्री हमारी मांग को देर सवेर समझेंगे और हम लोगों को वेतन मान देंगे। बस हम लोगों का मांग है समायोजन, और जो हम लोगों ने परीक्षा दिया है वह 10 बरस का जो व्यवस्था है, 20 साल से हम लोग जो है से पढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति 20 साल से पढ़ाने का काम करे उसके लिए अगर आप नियम लगाते हैं 10 साल के, तो वह किसी भी रूप में मान्य नहीं था। माननीय शिक्षा मंत्री उसको भी देखे और जो है से किया अध्ययन, कह कि मैं तमाम तरह की आपकी जो बात है उसे समझ रहा हूँ, हमारे जो है से पेपर के माध्यम से उन्हें दिखाया गया, जो भी जो है से 9 जून 2020 के जो बैठक हुआ था उसमें भी था कि टेट पास को वेतन मान देंगे। हमारे सबसे जो है से वरिष्ठ जो है से महाधिवक्ता होते हैं वह भी साफ बोले हैं कि टेट पास शिक्षकों को वेतन मान दिया जा सकता है। इसको तमाम तरह के चीज़ को जब हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के पास रखा तो शिक्षा मंत्री ने देखा और कहा कि मैं आपके प्रतिनिधि को एक सप्ताह के बाद बुला के आपसे बात करूंगा और जो भी आपका मुद्दा है मैं उसका समाधान करूंगा। रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफी समी की रिपोर्ट।